अरे ये सिर्फ अमीरों का खेल है, रिच पीपल्स ओनली। हेलो, अरे वाह, आज तो खावर भाई भी तशरीफ लेकर आए हुए। ये क्या, आपकी शक्ल में अभी तक 12 नहीं बजे। लगता है किसी ने इनकी तबीयत साफ नहीं की। कोई नहीं, मैं आ गई हूँ ना, मैं आपको याद दिलाऊंगी कि आप अपने होने वाले ससुराल में आए हैं। अल्लाह आपकी भी शादी का सबब जल्दी बनाए, गिन गिन के बदले लेने मुझे आपसे। अच्छा, मेरे पास ना एक बहुत अच्छी न्यूज है। मेरे जो मियाँ जी है ना, मियाँ जी वो ना किसी फिल्म के हीरो की तरह एक्शन में आ गए और उन्होंने मामू और बेबो का रिश्ता तय कर दिया है। क्या वाकई? सुन रहे हो ना खावर, अब हर इवेंट पे मुझे एक नया ड्रेस चाहिए होगा। और हाँ, माहिर और हनी का भी रिश्ता तय होने जा रहा है। ज्यादा फंक्शंस होंगे ना, ज्यादा कपड़े होंगे, हर इवेंट में अच्छा तैयार होंगी मैं। क्या ये क्या कह रही हो तुम? मेरा मतलब है कि वो हनी तो स्वीटी आंटी की रिलेटिव है ना, तो माहिर कैसे मान सकता है? भाई अब इन सब बातों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन दोनों की अच्छी खासी सेटिंग हो गई है। और तो और, माहिर इतनी पैसे वाली सामी को इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ेगा। अकलमंदी का तकाजा भी यही है। माहिर को जरा भेजना, मैं मुबारकबाद दे दूं थोड़ी सी उसको। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, मंगनी वाले दिन मुबारकबाद देंगे। रानिया तुम कहाँ जा रही हो? बेबो के रिश्ते की खबर सबको नहीं सुनानी? तुम्हें बता दिया ना, तुम सबको सुना देना। रानिया मैं तो ना फौरन से हनी की साइड पे हो जाऊंगा। इस माहिर के बच्चे से ना गिन गिन के मैंने बदले लेने हैं। इसने बड़ी मिट्टी प्लीत की और मैं तो इसकी डबल करके रहूंगा। अरे चुप हो जाओ, ये बात अभी किसी को नहीं पता, अमाद भाई ने मना किया। अरे तो तुम्हारे अमाद भाई मेरी समझ से बाहर है। मुझे क्या हो रहा है, मैं ये अच्छी तरह जाती हूँ, उससे मोहब्बत नहीं करता, तो क्या मैं अपना वकार मिट्टी में रोल दूंगी? उससे अपनी मोहब्बत का वास्ता दूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुझ पर रहम करे, तरस खाए, मुझसे शादी कर ले? लानत है तुम पे रानिया, मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती, लेकिन इज्जत के बगैर जीना सजा से कम नहीं होता। और मैं मोहब्बत का इजहार करके उसे कभी खुद पर हंसने का मौका नहीं दूंगी। वैसे भी मुझे तो बहुत आगे जाना, मुल्क की वजीर आजम बनना है।